नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और ये है 92.7 बिग एफएम। चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पहली कहानी, गुरुदत्त ने कैफी आजमी को एक काम सौंपा। फिर क्या हुआ, क्यों नाराज हो गए गुरुदत्त, बताऊंगा ये छोटी सी कहानी जो आज की होगी पहली कहानी। दूसरी कहानी, सैड स्टोरी। एक एक्ट्रेस के लिए एक फिल्म बनी, उसकी डेथ का कारण सैड स्टोरी है। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स में तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद अभी अभी ताजा शुरू किया गया नया सेगमेंट जिसका नाम है फिर तेरी कहानी याद आई रिपीट वैल्यू। लोगों ने मैसेजेस भेजे, फोन किया कि भाई पुरानी कहानी सुननी है। यानी कि इन कहानियों में इतना दम है या दम था कि आप उनको दोबारा सुनना चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां आप बार बार जाना चाहते हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको आप बार बार देखना चाहते हैं। तो क्यों नहीं कहानियां, कहानियों में दम है तभी तो आप बार बार सुनना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कहा चलो नया सेगमेंट ही बना देते हैं। इस सेगमेंट का नाम रखा फिर तेरी कहानी याद आई द रिपीट वैल्यू। उसके बाद कहानी और अंत में हमारे श्रोता राजेंद्र बैरी के सवाल का जवाब। चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात उन दिनों की है जब गुरुदत्त अपनी नई फिल्म के निर्माण में मसरूफ थे। फिल्म थी कागज के फूल। केरल का एक लेखक उनसे मिलने आया। संयोग से उस वक्त कैफी आजमी भी वहां मौजूद थे। उस लेखक ने गुरुदत्त को एक कहानी सुनाई जो स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष पर आधारित थी। कहानी गुरुदत्त को बहुत पसंद आई और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अगली फिल्म इसी कहानी पर बनाएंगे। तब उस राइटर ने बताया कि कहानी उनकी नहीं है बल्कि एक दूसरे राइटर के उपन्यास पर आधारित है, इसलिए उस उपन्यास के राइट्स खरीदने होंगे। गुरुदत्त ने कैफी आजमी से पूछा क्या आप उस राइटर को जानते हैं। कैफी आजमी ने बताया कि पर्सनली तो नहीं जानता लेकिन कम्युनिस्ट राइटर है ये जानता हूं, तो मैं पता निकाल लूंगा। इसलिए गुरुदत्त ने राइटर की जिम्मेदारी, राइट्स की जिम्मेदारी कैफी आजमी को सौंप दी। कैफी साहब निकले गुरुदत्त के अंधेरी स्टूडियो से, जुहू पहुंचे अपने घर। तभी अचानक गुरुदत्त का फोन आया, पूछा आपने राइटर को ढूंढने का काम शुरू किया या नहीं। इमीडिएटली कैफी साहब हैरान हो गए। जवाब दिया जनाब अभी अभी घर पहुंचा हूं, इतनी जल्दी कैसे तलाश लूं। अच्छा, कैफी आजमी का जवाब सुनकर गुरुदत्त नाराज हो गए और फोन पर ही शुरू हो गए, यही तो मसला है, आप लोग बहुत सुस्ती से काम करते हैं। और ये कहकर गुरुदत्त ने फोन भी काट दिया। इतने गुस्से हो गए, इतने खुंदक में थे कि खुद चले गए केरल दूसरे दिन, उपन्यास के राइट्स खरीदे और खूब सारी ताड़ी पीकर घर लौट आए। जब उपन्यास में डूबे पढ़ा तो फील हुआ कि इस कहानी पर फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल थीम की कहानी थी। अगर बनाते तो भारत का सेंसर कभी इसे अप्रूव नहीं करता। और अंत में हार कर गुरुदत्त ने उपन्यास को कचरे की पेटी में फेंक दिया और उस कहानी को भूल गए। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी अदाकारा थी सौंदर्या। सौंदर्या का जब जन्म हुआ तो मां बाप परिवार वाले उसकी जन्म कुंडली लेकर पहुंचे एक ज्योतिष के पास। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, गणना की नक्षत्रों की, ग्रहों की, और सचेत किया कि ये लड़की बड़ी होकर प्रसिद्धि तो पाएगी लेकिन अल्पायु है, कम उम्र में ही चली जाएगी। परिवार वालों के लिए भविष्यवाणी या ये कैलकुलेशन, ज्योतिषी की कही हुई बात बहुत बड़ा आघात थी। परिवार वालों ने कई बार पूजा हवन क्रियाकांड करवाए, बचपन से ही एक बॉडीगार्ड भी साथ रख दिया। बहरहाल ये लड़की सौंदर्या बड़ी हुई, हीरोइन बनी, स्टार बनी, लेकिन एक सपना था हिंदी फिल्मों में काम करने का। पहली हिंदी फिल्म भी मिली सूर्यवंशम, हीरो अमिताभ बच्चन। न जाने क्या हुआ फिर सौंदर्या पहुंची उस ज्योतिषी के पास ये जानने के लिए कि हिंदी फिल्मों में उसका भविष्य क्या होगा। ज्योतिषी ने सौंदर्या को सूर्यवंशम न करने की सलाह दी और ज्योतिषी ने यह भी कहा कि सौंदर्या की कुंडली में सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म है, अगर सौंदर्या ने यह फिल्म कर ली तो उसका जीवन
कभी भी दांव पर लग सकता है। लेकिन सौंदर्या ने इस बात को अनसुना कर दिया और फिल्म साइन कर ली। नियति का कुचक्र। सूर्यवंशम रिलीज होने के बाद कई हिंदी फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो फिल्में जो दूसरी फिल्में थी टलती चली गईं, कोई फिल्म बनी नहीं। और सूर्यवंशम रिलीज होने के 3 साल बाद 17 अप्रैल 2004 को सौंदर्या की मृत्यु एक एयर क्रैश में हो गई। मालूम नहीं ज्योतिषी की गणना सही थी या नियति का खेल। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास तो नहीं मानता हूँ, लेकिन अभी भी अनगिनत प्रकृति के अनसुलझे रहस्य हैं जिनको जानने के लिए सदियों लग जाएंगी। ऐसी घटनाएं ही हो जाती हैं जिनको हम डिसाइफर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए घटना मैंने आपके साथ शेयर की। हेलो, दिस इज 92.7 बिग एफएम, मैं अनु कपूर हूँ। कौन सा बोल रहे हैं जी? मैं सुशील शर्मा बात कर रहा हूँ, कानपुर यूपी से सर। अच्छा, सुशील कुमार जी शर्मा जी। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं सर। और सुशील जी कौन कौन है घर में, अपने बारे में बताएं। हमारे मम्मी पापा, हम, मेरा भाई, भाभी, भाभी के 2 बच्चे। अच्छा। और हमारी मिसेज। अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह वाह। शादी को आपको पिछले साल शादी हुई आपकी? नहीं सर, अभी 28 फरवरी को लास्ट महीने हुए सर। 28 फरवरी 2017। अच्छा अच्छा, और सब कुशल मंगल है, परिवार में सब ठीक है? जी सर। कोई फरमाइश हो तो पूरी कर दूं आपकी, बताइए, सुना दीजिए आपकी पसंद का गाना। सर देवानंद का भी, परवल के लिए कोई हम प्यार कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जॉनी मेरा नाम का ये गाना आपकी फरमाइश पूरी करने जा रहा है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। थैंक यू सुशील कुमार शर्मा जी। कानपुर के सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। मधुबाला ने बहुत छोटी सी ही उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इस वजह से उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो पाई। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और इंग्लिश सीखने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि फिल्में करने के लिए सिर्फ अच्छी हिंदी और उर्दू का ज्ञान होना जरूरी था, जो उन्हें था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मधुबाला ने यह ठान लिया कि वो अंग्रेजी सीखेंगी? बात 1949 की है। मधुबाला और देवानंद फिल्म निराला की शूटिंग फिल्मिस्तान स्टूडियो में कर रहे थे। एक दिन देवानंद के एक दोस्त सेट पर आए। देवानंद ने इस दोस्त का तारुफ मधुबाला से भी करवाया और उसके बाद पास में ही बैठकर दोनों इंग्लिश में बातें करने लगे। दोनों की बातचीत मधुबाला के पल्ले नहीं पड़ रही थी, इसलिए वो उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी। मगर मधुबाला का माथा तब ठनका जब देवानंद और उनके दोस्त की बातचीत में मधुबाला का नाम सुनाई दिया। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। मधुबाला को ये तो समझ में आ गया कि दोनों उनके बारे में बात कर रहे हैं, मगर इंग्लिश की वजह से मधुबाला ये नहीं समझ पाई कि दोनों उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। दोस्त के जाने के फौरन बाद मधुबाला ने देवानंद से पूछा कि आप लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? देवानंद ने सिर्फ इतना कहा, बस यूं ही, मेरा दोस्त तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और मैंने उससे तुम्हारी बहुत तारीफ की। देवानंद के जवाब से मधुबाला खुश नहीं थी। उन्होंने देवानंद से कहा कि तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम जरूर कुछ और बात कर रहे थे। ये सुनकर देवानंद ने झल्लाकर कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेती, फिर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये कहकर देवानंद चले गए मेकअप रूम में। मगर देवानंद की बात मधुबाला के दिल पर लग गई। उसी वक्त ठान लिया कि वो इंग्लिश सीखकर ही दम लेंगी। अगले ही दिन वो एक इंग्लिश प्राइमर ले आई और सेट पर फुर्सत में इंग्लिश पढ़ना शुरू कर डाला। यूनिट के लोग मधुबाला को CAT कैट, RAT रैट ये सब पढ़ता देखकर BAT बैट खूब हंसा करते थे, मजे लिया करते थे। लेकिन मधुबाला इन बातों से बेपरवाह अंग्रेजी सीखने में लगी रहती थी। सेट पर मधुबाला के अंग्रेजी सीखने की खबर फिल्म इंडिया पत्रिका की जर्नलिस्ट सुशीला रानी पटेल को भी पता चल गई। उन्होंने मधुबाला को इंग्लिश सिखाने में बहुत मदद की और फिर जल्दी ही
मधुबाला इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख गईं। फिल्म निराला के बाद देवानंद और मधुबाला ने तकरीबन आधा दर्जन फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों के सेट पर वो देवानंद से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में गुफ्तगू किया करती थी। मधुबाला, सुनील दत्त अपनी पत्नी नरगिस से बहुत प्यार करते थे। नरगिस के जाने के बाद वो इतने टूट गए कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया। पत्नी के जाने के बाद सुनील दत्त अपने बेडरूम में अकेले नहीं सो पाते थे। बच्चों में से किसी न किसी एक को उनके पास सोना पड़ता था। वो अक्सर रात को घबरा कर उठ जाते और कमरे से बाहर निकल जाते थे। सारी रात बेचैनी में घर में घूमा करते और जब नींद पूरी तरह हावी हो जाती तो जहां होते वहीं सो जाते, कभी सोफे पर, कभी सीढ़ियों पर, कभी फर्श पर, कहीं भी सो जाते थे, होश ही नहीं रहता था। कई दिनों तक तो वो चुपचाप सवेरे 4 बजे कब्रिस्तान चले जाते और नरगिस की कब्र के पास बैठे कब्र से घंटों बातें किया करते। सुनील दत्त साहब ने नरगिस को कैंसर से बचाने की बहुत कोशिश की थी। दवा के साथ साथ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों, दरगाहों पर हर जगह रो रोकर, गिड़गिड़ाकर दुआएं की, मन्नतें मांगी, माथा टिकाया, पर कुछ काम ना आया और उन्होंने नरगिस को खो दिया। नरगिस को खोने के साथ ही उनका विश्वास ऐसा टूटा कि उन्होंने अपने घर की जितनी भी धार्मिक फोटो मूर्तियां थीं उन्हें समंदर में विसर्जित करवा दिया। नरगिस की मौत ने सुनील दत्त को पूरी तरह तोड़ दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में सुनील दत्त की दोनों बेटियों ने पिता को संभाला। बेटी प्रिया और बेटी नम्रता ने उन्हें जीने का हौसला दिया, परिवार को संभाला, उनका मनोबल बढ़ाया, उनके अंदर के जीवन को जगाया। बेटियों की इन्हीं कोशिशों की वजह से सुनील दत्त धीरे धीरे संभलने लगे और अपने जीवन को दूसरों की मदद और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। नरगिस की स्मृति में सुनील दत्त ने कैंसर पीड़ितों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया। उनके घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहा करते थे। सुनील दत्त ने अपना जीवन देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित कर दिया। सुनील दत्त को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी स्मृति में एक गीत सुनवाने जा रहा हूं जो उन पर ही पिक्चराइज्ड है। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूं वो ही गीत में तेरे लिए। वी लव यू दत्त साहब। हमारे एक श्रोता जलंधर के राजेंद्र बैरी ने पूछा है कि क्या मदर इंडिया नाम की 2 फिल्में बनी? जवाब है जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी नरगिस वाली, लेकिन उससे पहले भी एक मदर इंडिया बन चुकी थी 1938 में। डायरेक्टर थे गुज्जाल, फिल्म के एक्टर थे शरीफा, प्रमिला, सुरैया, नजीर मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, संगीतकार थे राम गोपाल। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इस फिल्म में 15 गीत थे और फिल्म चली भी खूब। मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। इस जानकारी के साथ ही आपसे विदा लेना चाहूंगा। सुहाने सफर को देता हूं यहीं विराम। आप सब मंजिल पे पहुंच जाएं, मंजिल आपके कदम चूमे, ऐसी ही प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम।